ये बाबर नहीं बब्बर शेर है। बाबर आजम को एक और एजाज से नवाज दिया गया। इंडियन फैंस भड़क उठे। कप्तान बाबर आजम का नाम भारतीय किताब में भी शामिल कर दिया गया। पाकिस्तानी कप्तान जिनको हाल ही में तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस पर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए सर गॉड फील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 8वीं जमात के स्पोर्ट्स सेक्शन की किताब में शामिल किया गया है, जिसमें बाबर आजम के साथ भारतीय मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी और दीगर भी शामिल हैं। किताब में दर्ज है कि भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है और क्रिकेटर्स मशहूर शख्सियत भी। क्या आप अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स के उर्फी या निकनेम जानते हैं? सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में जवाब में बाबर आजम का नाम बॉबी लिखा हुआ है। जो ही किताब की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई और पाकिस्तानियों ने बाबर आजम पर फख्र करना शुरू किया, इनके हक में कमेंट्स किया तो भारतीय फैन से रहा न गया और हर लिहाज से उनके मुतल्लक मनफी कमेंट्स करने शुरू कर दिए। किसी ने कहा बाबर आजम और विराट कोहली का मुकाबला ही नहीं है, पाकिस्तान में आटा तो खाने के लिए नहीं है, ये लोग हमारी किताबों में पढ़ाए जाएंगे। तो किसी ने कहा हमने बाबर को ही इज्जत नहीं बख्शी, माजी में शुएब अख्तर और इंजमामुल हक के साथ शाहिद खान फरीदी को भी खूब इज्जत दी थी। लफ्जी तकरार करते हुए पाकिस्तानी शायकीन ने भी बाबर आजम को बब्बर शेर कह दिया और उनके हक में आवाज बुलंद कर दी। ख्याल रहे कि इसी तरह गुज़िश्ता बरस बाबर आजम की कवर ड्राइव को 9वीं जमात की फिजिक्स के निसाब में शामिल किया गया था। बाबर आजम अपनी बैटिंग और कवर ड्राइव की वजह से शोहरत रखते हैं, जबकि कई नामवर क्रिकेटर्स भी उनके मजा हैं। बाबर की तकनीक के बायस उन्हें स्टीव स्मिथ, विराट कोहली और दीगर क्रिकेटर्स से ऊपर रखा गया है। व्यूअर्स, क्या आप भी बाबर आजम के फैन हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।